कर देते हैं, ये चार गाड़ियां मौके पे पकड़ी हुई हैं हमने, करें ना इनका चला, फिर माने हम गरीब बंदे को चला 5,000 बेरोजगार युवा बैठा हुआ, कोई ट्रैक्टर वाले का काम, कोई लेबर का काम, कोई डीजल चलाने वाला। सबसे बड़ा मुद्दा ये NHA का स्टिकर, ये ड्राइवरों को हम आम बंदे को हम क्यों ना करेंगे, ड्राइवरों को वो बेचारा दिहाड़ी लगा रहा है। सबसे पहले मुद्दा हमने इंडस्ट्री वालों का उठाया था, अभी कहाँ गए वो इंडस्ट्री वाले जो बड़े बड़े वादे करते थे। अभी आप देख सकते हो कुछ इंडस्ट्री वाले तो आज यहाँ भूमि फीरी कर रहे हैं, हम तो बिकने वाले थोड़ी हैं। NHA का स्टिकर किस बेस पे लगाया हुआ, NHA का कहीं काम नहीं लगा हुआ, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इंडस्ट्री बनाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का बेड़ा कर दिया जा रहा है। ऐसी हैं जिनके पास टोटल ए फार्म है और जिनके पास ए फार्म है उनका टाइमिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। 12:30 तक उनका टाइम था, गाड़ी 2 बजे आ रही थी। सबसे ज्यादा नेग्लिजेंसी है मनी डिपार्टमेंट की, और मनी डिपार्टमेंट में हमें ये बताइए कि एक युवा के लोगों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा, डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, कपेक्स बजट के काम रुके हुए हैं, जिन लोगों ने अपने घर में काम लगाया है उनके उन लोगों के काम रुके हुए हैं। तो ये इतनी ये मेगा कंपनी के साथ क्या इंटरेस्ट है इन लोगों का, मैनी डिपार्टमेंट का, कि इनका माल दिन रात चल रहा है, किस कैपेसिटी में चल रहा है, कौन सी इनके साथ कोई मिली भगत है इनकी, अगर हम इनको फ़ोन करते हैं तो इनका फ़ोन कोई फ़ोन भी नहीं उठाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट के जितने भी जो अधिकारी हैं, इन डिपार्टमेंट के जितने भी जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी ड्यूटी जो है नाके पे होनी चाहिए, हर गाड़ी का ए फार्म चेक किया जाए, उसको अप्रूव्ड किया जाए, क्रॉस किया जाए, उसके बाद गाड़ी जो है जानी चाहिए। एक एक ए फार्म पे इन लोगों ने 20-20 फेरे लगाते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हर बंदा बोलता है मुझे प्रेशर है, प्रेशर है, किस बात का प्रेशर है, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि किस बात का प्रेशर है इनको, कौन सा प्रेशर है, कौन सी एजेंसियाँ इनके पीछे हैं जो इनको प्रेशराइज करती हैं, जो काम उन लोगों का सेक्टर इन लोगों में माल जो है गाड़ियाँ जो आपने यहाँ देखी जी, कितनी गाड़ियाँ भी देखी आप देखिए कितनी गाड़ियाँ, ये कोई 10-15 गाड़ियाँ हैं, इनकी लाइन लगी अगर आधी गाड़ियाँ तो पीछे रुक चुकी है, क्योंकि इनको हर बंदे का आजकल नेटवर्किंग सिस्टम है, फ़ोन का फ़ोन कर देते हैं, आइए आगे नाका लगाए कि कोई गाड़ी आनी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं आ रही है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो हम बात बोल रहे हैं इस बात को जो है उसका संज्ञान लिया जाए, और जो लोगों के घर में काम रुके हुए हैं उन लोगों के काम जल्दी से जल्दी शुरू होने चाहिए। माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है रोड पर गाड़ियों के पेपर चेक करना, माइनिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं क्रशर पे सोना, ये क्रशर पे जाके सो जाते हैं, दरिया में रात को सोते हैं। जो हमारे यहाँ के लोकल ट्रैक्टर वाले हैं, गरीब लोग हैं जिनका तरमदार ट्रैक्टर पे है, वो लोग कहाँ जाएंगे मुझे बताइए, उनकी रोजी रोटी के भी लाले पड़ी हैं, एक एक महीने से क्रशर बंद है, ड्राइवर को ड्राइवर की जो तनख्वाह है, जो सैलरी है वो अपनी जेब से दे रहे हैं, ट्रैक्टर की इंस्टॉलमेंट है, और कई खर्चे होते हैं, परिवार के खर्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उनका परिवार का जो धर्मदर है इसी के ऊपर है, ट्रैक्टरों के ऊपर है। मैं आपके माध्यम से बार बार यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जो ये बात है इसको यही खत्म करना चाहिए, और जो लोग हैं हमारे कठुआ के जिन लोगों ने अपने अपने घरों में काम लगाए हैं, हर बंदा हमें फ़ोन करता है कि भाई साहब कब क्रेशर चलेंगे, हम क्या जवाब देंगे लोगों को कि क्या कब क्रेशर चलेंगे। क्रेशर का टाइम होता है रेनी सीजन इनका 7 जुलाई और सितंबर में, 3 महीने तक रेनी सीजन, 3 महीने तक आप लोग क्रेशर बंद रखिए, 30 तारीख को 3 महीने जो है इनके ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से DC साहब को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप इतने होनहार अच्छे अफसर हो, यंग हो, और आपका बहुत बड़ा विजन है, तो आप इस बात को संज्ञान में लो, और हम लोगों को जो मटेरियल की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो राहत हम लोगों को चाहिए, वो हमें बाहरी राज्यों में भी जा रहा है यहाँ से मटेरियल। मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी जो बाहरी राज्य में कुछ मटेरियल गया होगा बाहरी राज्य में, तो मैं आपके माध्यम से क्रशर वाले भाइयों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी बात को आप लोग सुने, और जितना भी जो माल है बाहरी राज्यों में मत भेजिए, हमारे कम से कम कठुआ के जो लोकल लोग हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द कठुआ सिटीजन्स के लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग दीजिए, और कठुआ के लोगों को माल दीजिए। मैं यही कहना